नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं आपका स्वागत है। सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बेहद बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बेहद बड़ी सियासी हलचल आपको बता दें, 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि सोमवार को हमें यह पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। आज सुबह ही 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश में। और अब देखिए, ये एक और बड़ा अपडेट सामने आया है कि शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि शाम को ऐलान हो जाएगा सोमवार शाम को कि मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। केंद्र नेतृत्व ने, केंद्र संगठन ने आखिर किसके नाम पर मोहर लगाई है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है सोमवार को, 11 दिसंबर को यह बड़ी बैठक होगी। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सबको इंतजार है कि आखिर मध्य प्रदेश का नया सीएम कौन होगा। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इंतजार हो रहा है। और अब आप देखिए ये बेहद बड़ी खबर कि 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और इनके साथ ही आशा लकड़ा, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं उनमें से इन तीनों को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये कभी भी मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं। 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक है, यानी कि सबसे पहले पहुंचने के बाद तमाम विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, उनसे रायशुमारी करेंगे और फिर उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा सोमवार को। इसके साथ ही एक और बड़ा अपडेट आपको यह भी बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश के जितने भी आला नेता है, बीजेपी के संगठन मंत्री है, केंद्र नेतृत्व है, हमने देखा कई राउंड बैठकों का दौर हुआ और उसके बाद अब यह माना जा रहा है कि केंद्र ने नाम पर मोहर लगा दी है सोमवार का। अब हमारे सामने दिन भी सामने आ चुका है कि सोमवार को यह बड़ी बैठक होगी बीजेपी विधायक दल की और शाम 7 बजे ऐलान कर दिया जाएगा कि अगला सीएम मध्य प्रदेश का कौन होगा। डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये बीजेपी ओबीसी मोर्चा के, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के आशा लकड़ा और हरियाणा के सीएम डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षकों के तौर पर ये 1-to-1 चर्चा करेंगे विधायकों से। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दुष्यंत पराशुर का, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं भोपाल से। दुष्यंत, शाम 7 बजे सोमवार को विधायक दल की बैठक होने वाली है, पर्यवेक्षकों की आज सुबह नियुक्ति हुई और अब डेट और समय भी सामने आ चुका है। खाका होगा और सरकार किस तरीके से, सरकार कैसे, वो कौन से चेहरे होंगे, इन तमाम सारी बातों को लेकर जो गतिविधियां पिछले दिनों से देखने को मिल रही है वो आगामी सोमवार तक खत्म होने का जो जिस तरीके से अंदाजा अभी लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये प्रयास किए गए बीजेपी की ओर से कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो घोषित किया जाए, तो उसको लेकर तमाम हरी रूपरेखा जो है तैयार की गई, तमाम सारी जो औपचारिकताएं बीजेपी के अंदर की जाती है उन औपचारिकताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल किया जाएगा। और इसको लेकर बीजेपी सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक जब होगी तो इस बैठक में तमाम सारे जो विधायक नरेश भट्ट भोपाल पहुंचेंगे और इस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल का नेता हो सकता है। और उन तमाम सारे विधायकों से जब चर्चा की जाएगी, 1-to-1 चर्चा भी इस दौरान की जाएगी विधायकों से, तो उन विधायकों का क्या कहना है, आखिर किस व्यक्ति को वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं, अपना नेता वो किसको मानते हैं या किसको बनाते हैं, तो वो इन तमाम सारी बातों का पटाक्षेप भी होगा। हालांकि देखिए, केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो बनाए गए हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और वो जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो इस बात को वो जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के विधायकों के मन में क्या है, मध्य प्रदेश के विधायकों के दिल में क्या है और किस तरीके से वो बीजेपी का ऐसा कौन सा चेहरा होगा जिसको अपना नेता वो बनाएंगे। तो तमाम सारी बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। केंद्रीय नेतृत्व जो है उन्होंने पहले ही इस बात की मंशा साफ कर दी है। तो 11 दिसंबर को दुष्यंत विधायक दल की बैठक होने वाली है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह कि क्या इसी दिन विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाता है, क्या वाकई सोमवार को इस बैठक के साथ सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन है। अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे और हर एक अपडेट आपको बताते भी रहेंगे। तो एक तरफ भाजपा लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर मध्य प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, तो वहीं कांग्रेस मंथन कर रही है हार पर। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस की समीक्षा बैठक जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये बैठक ले रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सुरजेवाला समेत
प्रभारी सचिव इस बैठक में मौजूद है। कांतिलाल भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम को भी इस बैठक में बुलाया गया है। कमलेश्वर पटेल, मीनाक्षी नटराजन इस बैठक में शिरकत कर रही हैं। और देखिए बैठक की तस्वीर सामने आ चुकी है। तमाम कांग्रेस के आला नेता इस बैठक में रायशुमारी कर रहे हैं। ना सिर्फ हार पर मंथन होगा बल्कि कुछ बदलाव के भी संकेत मिल सकते हैं। और 2024 को लेकर अब कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या होगी वो भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीनों ही राज्यों के लिए तीन तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो तीन राज्यों के लिए तीन तीन पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। और जैसे कि हमने आपको अपडेट दिया मध्य प्रदेश के लिए कि 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होने वाली है, तो तीनों ही ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। वो वन टू वन चर्चा करेंगे विधायकों से। राजस्थान में राजनाथ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनके साथ ही दो और बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो गया है, अब बस सीएम के नाम का ऐलान बाकी है। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है मध्य प्रदेश में ऑब्जर्वर के रूप में। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अर्जुन मुंडा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश में घूम घूम कर हारी हुई सीटों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को छिंदवाड़ा और गुरुवार को श्योपुर के बाद आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करके न सिर्फ मतदाताओं का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया बल्कि वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए भी नजर आए। रोड शो के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि शिवराज के साथ मौजूद रहे और जगह जगह लाडली बहनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की IBC24 संवाददाता ब्रजेश जैन। भले ही विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और बीजेपी ने बंबर जीत हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव हैं, हारी हुई सीटों का दौरा कर रहे हैं। और इस समय सीएम जो है वो रथ में सवार होकर विजय राघोगढ़ के रोड शो पर निकले हैं। जनता से देख सकते हैं आप, लगातार मेल मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में नया बूस्टअप करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी इतनी जल्दी आखिर क्यों? इसलिए कि 29 की 29 सीटें जीतना है, और न केवल लोकसभा की 29 सीटें बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में मोदी जी जीते, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मोदी जी की जीत के लिए सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री के लिए। लगातार सर मंथन चल रहा है, आखिर देरी क्यों हो रही है? हमारा काम कार्यकर्ता का पार्टी को चुनाव जिताना है, बाकी फैसला पार्टी करती है। लाडली बहनों ने पार्टी की जो है वो कराई है और इसके बाद बीजेपी को मिला था इस चुनाव में, और चुनाव के बाद भी लगातार बीजेपी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वही प्यार, वही दुलार, वही समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद देखिए लगातार जो है वो रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इसी तरह से जारी है, और आने वाले वक्त में और भी हारी हुई सीटों की, कमजोर सीटों की इसी तरीके से रोड शो करके, दौरा करके कार्यकर्ताओं का जो है बूस्टअप करते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, विजय राघोगढ़, गुना। इन तमाम बड़ी सियासी हलचल के बाद अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। देवास की बड़ी खबर आपको बता दें, शिप्रा में घरेलू गैस सिलेंडर में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर रिपेयरिंग दुकान में ब्लास्ट हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 8 गैस सिलेंडर में बैक टू बैक ब्लास्ट हुआ है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये सिलेंडर रिपेयरिंग दुकान है जहां पर पहले एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते इसने 8 गैस सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आसपास की 2 दुकानें भी इस आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। और अगली बड़ी खबर भी इंदौर से, यहां भी आग का तांडव देखने को मिला है। स्क्रैप के गोडाउन में भीषण आग लग गई, जूते चप्पल के स्क्रैप का ये गोडाउन है और आग लगने से लाखों का माल जल गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सावेर रोड के सी सेक्टर में ये गोडाउन स्थित है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। बाणगंगा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
और अब खबर ग्वालियर से, जहां बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस घेराबंदी कर चेकिंग कर रही है। इस दौरान बदमाश के साथ आए तीन अन्य कार सवार बदमाशों ने पुलिस को घेर कर मुख्य आरोपी को भगा दिया। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस को वर्दी उतरवाने की धमकी भी दी। फरार बदमाश पर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। वहीं चौकी प्रभारी ने मामले की शिकायत थाने में की है। इधर पुलिस ने फरार बदमाश और उसके दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मुरैना में लाइनमैन से बर्बरता की खबर मिल रही है। ग्रामीणों ने लाइनमैन को पेड़ से बांधकर उसकी बेदम पिटाई की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लाइनमैन दरअसल ट्रांसफार्मर केबल जोड़ने पहुंचा हुआ था, लेकिन वो देरी से पहुंचा और इस कारण ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी। फिर बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और उस लाइनमैन को छुड़वाया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है। बाघ चीनी थाना इलाके का मामला है। बताया जा रहा है कि विवाद का कारण चुनावी रंजिश भी हो सकता है, इसलिए पुलिस के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच जौरा एसडीओपी को सौंप दी है। इंदौर में हॉस्टल संचालक की हत्या के तीन दोषियों को सेशन कोर्ट ने दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्यारों ने साल 2017 में सब्बल से हमला कर हॉस्टल संचालक की बेरहमी से जान ली थी और फिर शव को कार के डिक्की में डालकर कार को आग के हवाले कर दिया था। डीएनए टेस्ट से शव की पहचान हॉस्टल संचालक अनिल कुमार जैन के तौर पर हुई थी। हत्यारों ने रुपयों के लेन देन के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया था। और बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां युवक को मजाक करना भारी पड़ गया, वो भी इतना कि 20 से ज्यादा युवकों ने एक अकेले युवक की पिटाई कर दी। घायल युवक का इलाज जारी है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। मुरैना में ओवरलोड ट्रैक्टर चालक ने आज हाईवे पर स्टंट किया है और स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो आप देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि रियल सीन है। ओवरलोड ट्रैक्टर चालक ने हाईवे पर किस तरह से स्टंट किया है कि खुद के लिए तो खतरनाक साबित होता ही, आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए भी ये जान पर आफत बन सकता था। बड़ी खबर आपको नर्मदापुरम से बता दें, ग्वाल टोली में एक युवक का शव मिला है। युवक के घर में ही शव बरामद किया गया है। युवक की मौत किस कारण हुई है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। और अब ग्वालियर का रुख करते हैं। यहां भतीजे ने चाची पर चाकू से हमला कर दिया, क्योंकि भतीजा अपनी चाची से ही शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। महिला के डांटने से वो नाराज चल रहा था। युवक से चाकू बरामद कर लिया गया है। चाकू से हमला कर युवक फरार है। वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इंदरगंज थाना क्षेत्र के शिंदे छावनी की घटना। वहीं बालाघाट में एक मनचले युवक ने आज महिला की हत्या कर दी। चाकू से हमला कर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। महिला अपने पति के साथ मेला घूमने गई थी और मेले में ही आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामपाइली थाना क्षेत्र का मामला है। मुरैना में आज एक बुलेरो ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और हादसे में ई रिक्शा में बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने NH 552 पर चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित होकर कैलारस थाना क्षेत्र का मामला है। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको रायसेन से बता रहे हैं। सड़क हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। डंपर और पिकअप में भिड़ंत हुई है और हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सांची में भोपाल विदिशा हाईवे पर यह हादसा हुआ। इंदौर में आज पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। आरोपी अवैध नशा पदार्थ की तस्करी करता था। ड्रग तस्कर विजय काला पर 21 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। ब्राउन शुगर, शराब तस्करी, अफीम और गांजा की तस्करी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया। चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। तो आज
बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में हुंकार भर रहे हैं और आज वहां पर उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के बाद उन्होंने आज जनसभा को भी संबोधित किया। समर्थकों और कार्यकर्ताओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान फ्लाइंग किस भी दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज दिग्विजय सिंह के गढ़ जहां से भाजपा के प्रत्याशी हार गए हीरेंद्र सिंह बंटी, उनके सामने आपको बता दें जयवर्धन सिंह इस बार चुनावी मैदान में रहे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो के बाद जनता को संबोधित किया और फिर उस दौरान उन्होंने जनता को फ्लाइंग किस भी दी। देखिए बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए वहां पर आमजन भी पहुंचे हुए थे। सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और इस दौरान बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फ्लाइंग किस भी किया। और अब रुक करते हैं खरगोन का। खरगोन में मोबाइल चोरी करने वाले 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साइबर सेल ने गुम और चोरी हुए मोबाइल लौटाए हैं। करीब 15 लाख रुपए के 111 मोबाइल लौटाए हैं पुलिस ने। मोबाइल वापस होकर जाहिर सी बात है लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। खरगोन साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। और अगली खबर भी खरगोन से। यहां आर्थिक संकट और 2 साल से घाटे में चल रही जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल पर अचानक तालाबंदी हो गई, जिसके बाद मजदूरों ने आज जमकर हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि कई महीनों से मजदूरों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। अब तालाबंदी के खिलाफ करीब 500 मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उनसे काम कराया जा रहा था और अब काम को रोक दिया गया है। बाकी वेतन, बोनस और भविष्य निधि की सारी राशि देने की उन्होंने मांग की है। और प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको श्योपुर से बता दें। यहां पर किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। कलेक्टर के मौखिक आदेश के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ। कलेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई है। सिख समाज के लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है और किसानों ने कलेक्टर को हटाने की मांग भी कर दी है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। नव निर्वाचित विधायक प्रहलाद पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सीएम हाउस में दोनों ही दिग्गज नेताओं की मुलाकात हुई है। आज सुबह से ही प्रहलाद पटेल भोपाल में एक्टिव है। आज सुबह ही वो भोपाल पहुंचे, कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की और अब वो सीएम हाउस पहुंचे। सीएम हाउस में नव निर्वाचित विधायक और पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। आपको बता दें नरसिंहपुर से इस बार जीते हैं और कुछ दिन पहले ही उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद जब वो भोपाल पहुंचे 4 दिन तक वो दिल्ली में थे और आज वो पहुंचे हैं भोपाल और भोपाल में कई दिग्गजों से मुलाकात करने के बाद सीएम हाउस पहुंचे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रहलाद पटेल का भी सीएम के लिस्ट में नाम सबसे ऊपर चल रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान से ही उन्होंने मुलाकात की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मऊ से बड़ी खबर, भीतरघातियों पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा ग्रामीण जिला अध्यक्ष को नोटिस जारी हुआ है। 7 अन्य बीजेपी नेताओं को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ इन्होंने काम किया था। बीजेपी युवा मोर्चा ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनोज ठाकुर। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर वाणी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।